और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस ईश्वर को जिस ईश्वर ने हम लोगों को ऐसे हिंदुस्तान में जन्म दिया। ये भारत की ऐसी जन्मभूमि है, यहाँ पर कई लोगों ने अपनी देश की आज़ादी के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। और मैं सबसे पहले ईश्वर को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे हिंदुस्तान में ईश्वर ने हमको जन्म दिया, बहुत ही नेक कार्य किया। सब लोग शांति से बैठे हैं, सुन लें। 15 अगस्त 1947 जब हिंदुस्तान ने आज़ादी की सांस ली, 15 अगस्त 1947 जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 जब हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़ के आज़ादी पाई, 15 अगस्त 1947 जब हम लोगों ने सभी लोगों ने सपना सोच देखा था कि हम एक मजबूत लोकतंत्र बनाएंगे और आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के हिस्से हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। जोरदार तालियां बजाइए। ऐसे हिंदुस्तान की धरती को मैं नमन करता हूँ और यहाँ पर कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना योगदान दिया जिनकी जो हमारे आज का दिन एक उत्सव है और यह उत्सव हमारे राष्ट्रपति गुरु में मनाया जाता है हर साल। आज का दिन बलिदानियों को याद करने का दिन है, नमन करने का दिन है। तो आइए आज हम याद करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उन लोगों ने गोली खाने से पहले स्वतंत्रता सेनानियों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हमारे परिवार का क्या होगा, परिवार में कौन है, कुछ भी नहीं सोचा। वो देश की आज़ादी के लिए अमर हो गए। उन्होंने फांसी पर चढ़ने से पहले ना अपनी उम्र देखी न परिवार देखा और फांसी पर चढ़ गए और देश को आज़ादी दिलाई उन्होंने। ये बहुत ही गर्व की बात है, हमारे देश में ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म हुआ। तो ऐसे हिंदुस्तान को हम प्रणाम करते हैं, जोरदार तालियां बजाइए। जय हिंद।